ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे 21/11/2022 का राशिफल और निफ्टी 50 में क्या असर पड़ेगा। उसके पहले हमने देखा था 17/11/2022 को निफ्टी 50 क्लोज हुआ था 18,333.95 पे और 18/11/2022 को निफ्टी 50 ओपन हुआ था 18,380.00 के लगभग और क्लोज हुआ था 18/11/2022 को निफ्टी 50 क्लोज हुआ था 18,304.35 में क्लोज हुआ था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डाउन से स्टार्ट होगा और पूरा मार्केट स्टार्ट तो अब से हुआ था लेकिन पूरा मार्केट डाउन रहा। पूरे मतलब स्टार्ट होते ही कुछ ही मिनट में वो पूरा मार्केट नीचे डाउन भी गिर गया और पूरा मार्केट डाउन रहा। अब हम जानेंगे कि आज के मार्केट में क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले हम जानते हैं कि आज की राशि फल क्या कहती है। तो देखिए, वृश्चिक राशि का आज दिन काफी अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों को आज उनको लाभ भी प्राप्त होगा और उनका व्यक्तित्व भी अच्छा रहेगा। धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि के लिए भी आज अच्छा है। उनके लिए क्या है, व्यवसाय से उनको जो है फायदा होगा, साथ साथ जो है उनको काम के क्षेत्र में, राज के क्षेत्र में भी फायदा होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि का भी आज भाग्य साथ देगा और भाग्य के लिए काफी अच्छा है और प्लस जो है उनको जो है आज शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको अच्छा रहेगा भाग्य। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो है समय उतना अच्छा नहीं है। उनको कुंभ राशि वालों के लिए कुछ परेशानियां जा सकती हैं और उनके रोग ऋण शत्रु भी बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए समय अच्छा है। मीन राशि वालों के लिए जो है समय काफी अच्छा है और मीन राशि वालों के लिए जो है उनका पराक्रम भी काफी उनको साथ देगा, प्लस जो है उनका व्यवसाय भी उनको साथ देगा। अब ऑपोजिशन से भी उनको लाभ होगा। अब हम बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए तो आज जो है उनको धन की प्राप्ति होगी और जो है उनका जो समय है वो थोड़ा सा क्या है कि समय में थोड़ा सा उनको परहेज करना पड़ेगा। समय में रोग ऋण शत्रु उनके बन सकते हैं तो समय उनको जो है, बाकी उनको परिवार से लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए तो समय बहुत अच्छा है और उनका जो है व्यक्तित्व भी बनेगा और उनका भाग्य भी साथ देगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनका काफी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन जो है खर्च का दिन है। उनको खर्च करना पड़ सकता है लेकिन उनको सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए लाभ का योग बना हुआ है और कर्क राशि वालों के लिए पराक्रम का भी दिन अच्छा है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए काम करने के लिए, राज करने के लिए काफी अच्छा है और सिंह राशि वालों के लिए जो है धन की प्राप्ति का योग बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा रहेगा और कन्या राशि वालों के लिए व्यक्तित्व इनका अच्छा बनेगा, इनको साथ देगा, व्यक्तित्व के लिए अच्छा है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए खर्च का दिन बना हुआ है और इनका जो है खर्च भी होगा और यात्रा भी होगी। दूसरी चीजें हैं कि इनको जो है तुला राशि वालों के लिए जो है ये थोड़ा कष्टकारी भी है तो इन्हें सावधानी की जरूरत है। तो ये तो राशियों के बारे में बात हुआ। अब हम बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में। तो आज का मार्केट काफी अच्छा नहीं है और काफी कम उतार चढ़ाव की कंडीशन बनी रहेगी। आज के मार्केट से आप अवॉइड करें ही तो ही अच्छा रहेगा। आप आज के मार्केट आपको खेलने लायक अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो ये था आज का मार्केट एनालिसिस और राशि फल। धन्यवाद।